हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को काइन मास्टर का दो ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे यूज करके आप लोग जो है अपने वीडियोस को काफी ऑसम एडिट कर सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हेलो गाइज, मैं तौसीफ, आप देख रहे हैं टेक्निकल ओचूजी यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम बढ़ते हैं अपने पहले ट्रिक की तरफ। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, मैंने जो है अपने वीडियो पे कुछ इस टाइप का जो है इफेक्ट यूज किया था। तो गाइज, इस इफेक्ट को यूज करने के लिए मैं आप लोगों को काइन मास्टर में जाकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को जो है इस ट्रिक को यूज करना है। पहले वाली ट्रिक को यूज करने के लिए आप लोग जिस भी वीडियो में जो है इफेक्ट लगाना चाहते हैं, सिंपली आप लोग को उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है टाइमलाइन पे। उसके बाद गाइस, इस इफेक्ट को यूज करने के लिए सिंपली आप लोग को लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड गाइस, यहाँ पे आप लोग को मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद गाइस, काइन मास्टर एसेट स्टोर से जो है दोस्तों एक वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इंट्रो वाला यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कुछ इस टाइप का होगा। तो सिंपली आप लोग को इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस, यहाँ पे जो टाइम चल रहा है उसको सिंपली आप लोग को यहाँ से ट्रिम करके हटा देना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम करने के बाद गाइस, यहां पे आप लोग को जो है इस लेयर को सिलेक्ट करना है। एंड गाइस, यहां पे आप लोग को इसको जो है सेट कर देना है फुल स्क्रीन पे। उसके बाद गाइस, यहां पे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो यहां पे एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि है ब्लेंडिंग। तो सिंपली आप लोग को ब्लेंडिंग पे चले जाना है। एंड गाइस, यहां पे आप लोग को मल्टीप्लाई करके राइट कर देना है। उसके बाद गाइस, अब मैं आप लोग को वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूं। तो गाइस, यहां पे आप लोग देख सकते हो वीडियो काफी ज्यादा ऑप्शन देखने में लग रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग भी फर्स्ट वाले ट्रिक को यूज करके अपने वीडियो में काफी अच्छा लुक ऐड कर सकते हो। अब गाइस, हम लोग बढ़ते अपने ट्रिक नंबर टू की तरफ। तो गाइस, ट्रिक नंबर टू में आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रिक नंबर टू को यूज करने के लिए सिंपली आप लोगों को कोई भी एक लेयर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे आप लोगों को जो है फाइल का नेम चेंज कर देना। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो अपना जो लेयर का नेम है वो रख देता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ। गाइस, यहाँ पे मैं जो है अपना सब्सक्राइब ही रख देता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद गाइस, यहाँ पे मैंने जो ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो लेयर है वो जो चेंज हो चुका है उसका नेम। तो नेम चेंज करने से क्या फायदा होता है कि जब भी आप लोग जो एक ही जैसा लेयर अपने वीडियोज में यूज करते हो तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेयर जो है हमको जो है ट्रिम करना या फिर एडिट करना है, जिसकी वजह से आप लोग जो है काफी सारे लेयर को जो है गलत एडिट कर देते हो और आप लोगों का जो मेहनत है वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है नेम पढ़ पढ़ के जो है लेयर का, उसके बाद आप लोग जो है काम करते हो तो आप लोग का जो है काफी सारा टाइम भी बच जाएगा, जिससे कि आप लोग जो है लेयर को जल्दी पहचान पाओगे। तो यार, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल टेक्निकल ओचूजी का सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिल दान, टेक केयर एंड बाय।